एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कहेगी आप गाड़ियां लेके जाओ, पीडब्ल्यूडी वाले बाइक रिटर्न ये नहीं देते कि हाँ भाई ये रोड फिट है आप गाड़ियां चला सकते हो, तब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। उसमें चाहे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट लगाएं, आरटीसी की बसें लगाएं, वो गवर्नमेंट खुद देख ले, एडमिनिस्ट्रेशन खुद देख ले उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, बशर्ते हमें पीडब्ल्यूडी वाले बोल दें कि रोड फिट है, डीसी साहब खुद विजिट करें, खुद रोड का मायना करें। अगर वो बोलेंगे हाँ भाई ये रोड फिट है आपके चलने के काबिल है तो हम गाड़ियाँ चलाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात है डीसी साहब खुद आए, रोड का विजिट करें, ख्वास तक जाएं, रोड को देखें, उसके बाद वो डिसीजन लें, वो जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार। तो अदरवाइज जो सिस्टम चल रहा है रोड का, बकोरी से गुद्दल 20 किलोमीटर रोड है, 20 किलोमीटर में गाड़ी को लग रहे हैं सवारी उतारने और चढ़ने में 40-45 मिनट गुद्दल पहुंचने में, यहां से ख्वास 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर में मेरी गाड़ी जा रही है और 28 किलोमीटर में मुझे टाइम लग रहा है 3.5 घंटे। 2 बजे बकोरी से गाड़ी निकलती है, 5:30 में ख्वास पहुंचता हूँ जाके, बताओ 28 किलोमीटर में 3.5 घंटे गाड़ी को लग रहे हैं, वहाँ पे हम किराया क्या रखें, उसका डीजल कहाँ से पूरा करें, किस हिसाब से गाड़ी चलाएं। हम तो परमिट लेके भूले हुए कि हमने सबसे बड़ी गलती की है जो बकोरी ख्वास परमिट ले, मैं आरटीओ साहब के पास जाऊँगा, शायद हो सकता है उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे परमिट चेंज कर दो, बैंक की किस्तें देनी है, बाल बच्चा पालना है और कोई धंधा तो है नहीं हमारे पास। अच्छा अगर ख्वास को देखते रहे, पीडब्ल्यूडी वालों को देखते रहे, तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे भीख मांगने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करना चाहती है, बाकी रही बात गाड़ियों की, गाड़ियां खड़ी है बस स्टैंड में खड़ी है, रोड की क्लियरनेस होगी, पीडब्ल्यूडी वाले बाई रिटर्न देंगे तो हम गाड़ियां चलाएंगे। बाकी आप थोड़ा आपसे कहूँगा कैमरा इधर घुमाए, इन लेडीज को देखें, इन बच्चों को देखें, किसी ने गदयोग जाना है, किसी ने गुंडी जाना है, किसी ने धर्मशाल जाना है, किसी ने बेगनबल जाना है, और ये छोटे छोटे बच्चे उठा के ये उठते कहाँ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी तो सोचना चाहिए जी। जब कोई वारिस ही नहीं है रोड का, पीडब्ल्यूडी वाले वो कहते हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ। मैंने कल जय साहब को फोन किया जी, जय साहब को बोलो बडाल, हाँ सर बडाल जाने के लिए कहा, वहां से आए वो रास्ते से यहाँ से 1 किलोमीटर, जहाँ से गए 1 किलोमीटर से वापस चल के, हमारी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती है जी। जी डीसी साहब खंडी गली से वापस आ गए, हाँ रास्ते से ही 1 किलोमीटर से वो वापस आ गए। अगर गाड़ी साहब की गाड़ी नहीं जा सकती तो दूसरी गाड़ी कैसे जाएगी, अगर डीसी साहब की गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी जा सकती दूसरी गाड़ी कैसे जाएगी। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है इसलिए कि उनका उनकी जवाबदारी है, वो ये बोल रहे हैं कि हमारी जवाबदारी तो नहीं है, आप अपनी रिक्स पे गाड़ियाँ भेजो, अगर कोई ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाता है मशीनरी है तो ड्राइवर उसके जवाबदार कौन है, ड्राइवर कनेक्टर और एजेंट। नहीं वो तो जवाबदारी इनकी कैसे है, जवाबदारी तो डीसी साहब देगा जी की जिम्मेवारी है, यहाँ वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अफसर है उनकी तो जिम्मेवारी है, यहाँ पे उनके गाड़ियाँ बंद क्यों कैसे किए हैं, इन पब्लिक क्या हिंदुस्तान की रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट की रहने वाले पब्लिक क्या है, हिंदुस्तान के लोग रहने वाले, इनको क्यों ना गाड़ी मिले, क्यों ना ये गाड़ी देंगे, यहाँ हम लोग कुर्बानी दे देंगे, यहाँ पे हम डीसी ऑफिस जाकर कुर्बानी देंगे, हम अभी जाएंगे डीसी साहब के पास, इसलिए हमारी गाड़ी खोली जाए और हमारी गाड़ी दी जाए, इस रोड को मुकम्मल कराया जाए जी। जी ठीक है, अच्छा जी ये हमारे गाड़ी वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर कनेक्टर हैं, तो आप बताओ जी अपना उस्ताद जी कि क्या प्रॉब्लम है आपको, रोड कैसी है और कल एडीसी साहब ने क्या कहा। सर तो सबसे पहली बात तो ये है कि 28 साल हो गए मुझे ड्राइवरी करते हुए, ठीक 92 में मैंने जब फर्स्ट बार गाड़ी लेके मैं क्रॉस किया था, तब से लेके आज तक रोड वहीं की वहीं है, ठीक आज दिन तक इसका कोई हल नहीं निकला है। अब भगवान जाने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, पब्लिक की कमजोरी है, गवर्नमेंट की कमजोरी है, इसी से मतलब हमें नहीं पता कि अब प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक हमारे पास आती है कि आप गाड़ियाँ लेके चलो, आप अपनी गाड़ियाँ भेजो, रोड की वो हालत है कि जहाँ पे पैदल चलने का मन नहीं करता है कि शायद मैं पैदल भी नहीं पहुँच पाऊँगा, तो वहाँ पे गाड़ियाँ लेके हम कैसे जाएँ।
कल हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब कोटरंग का, उनके पास गए, हमने एप्लीकेशन एक बाय रिटर्न लिख के दिया कि सर हम सोमवार तक वेट करेंगे। हाँ जी, आप पीडब्ल्यूडी वालों को बोलो हाँ जी कि सोमवार तक हमें रोड की क्लियर कर दें। हम ये नहीं कहते कि आप हमें लुक डाल के दो, आप हमें बजरा डाल के दो, लेकिन इतना जरूर करो कि वो मिट्टी उठा के मशीन